गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। आज देखेंगे कि जीईपीपी ऐप से जो इनवॉइस प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग टूल है, एनआईसी ने टूल इशू किया है, उसको कैसे यूज करेंगे और इनवॉइस कैसे बना सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। तो ये ऐप है जीईपीपी ऐप टूल, इसमें यहाँ पे आप जैसे नेम जो कंपनीज है उसका नेम एड्रेस यहाँ पे पॉपुलेट होता है, ये आपको सप्लायर प्रोफाइल में एड करना होता है, तो ये सप्लायर प्रोफाइल यहाँ पे दिखता है। देन ये डैशबोर्ड है, तो देखते हैं पहले तो कि ये ऐप डाउनलोड कैसे करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है जिसमें कि हमारा सप्लायर रिसिपिएंट प्रोडक्ट डेटा सब एड है, तो वो एप्लीकेशन से हम दूसरे एप्लीकेशन से करके दिखाएगी इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करते हैं, बट इसको डाउनलोड कैसे करना है वो हम सेपरेटली देखेंगे। और जो बेसिक स्टार्टिंग में आपको वो टूल्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स फीड करनी होती है वो बताएंगे। तो आपको ये पोर्टल पे जाना है, एनआईसी के पोर्टल से ही आपको ये मिलता है। आप डायरेक्टली आपको ये जो टूल है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है गूगल सर्च में। ये कुछ जीपीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो जैसे ही आप गूगल सर्च करते हैं जीपीपी टूल, तो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो डायरेक्टली टूल डाउनलोड हो जाता है। दूसरा ये ऑप्शन है जिसपे आप जाएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से डाउनलोड करें जीपीपी डाउनलोड टूल, इनवॉइस के पोर्टल से ये ऑप्शन होता है, जहां पे आपको सारे डिटेल सेलेक्ट करने होते हैं, यूजर टाइप, आपका जीएसटीएन नंबर डालना होता है, ट्रेडर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ओटीपी जनरेट करके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड फोन नंबर है जीएसटी में वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है वो डाउनलोड कर लेने का। तो एक बार आपने एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लिया, मैंने जो डायरेक्टली फाइल डाउनलोड किए थे उसको ओपन कर रहा हूं। ये ओपन करने के बाद ऐसा ये टूल दिखेगा। फर्स्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिखेगा आपको, जो सप्लायर प्रोफाइल है वहां पे नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ये ओपन करने के बाद फर्स्ट चीजें जो करनी है वो ये इसके मेन्यूज है, न्यू इनवॉइस, पेंडिंग इनवॉइस, इंपोर्ट क्यूआर कोड, प्रिंट इनवॉइस, जनरेट इनवॉइस, और यहां से डायरेक्टली आप इनवॉइस के पोर्टल पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे तो मास्टर में डिटेल्स फीड करने हैं। मास्टर के अंदर सबसे पहले आपको सप्लायर प्रोफाइल बनाना है, जिसमें सप्लायर प्रोफाइल में आप जो आपके खुद की कंपनी का डिटेल्स है वो आप वहां पे डालेंगे, बाकी जो रिसिपिएंट एंड मास्टर प्रोडक्ट्स है वो भी आपको ऐड करने होंगे। तो ये है सप्लायर प्रोफाइल। आपको सप्लायर प्रोफाइल वन टाइम ही डालना पड़ता है ये टूल के अंदर। एक बार आपने डाला तो फिर ये एवरी टाइम के लिए सेव्ड होता है। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूं। यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपको मैंडेटरी डालने पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंडेटरी नहीं दिखा रहा है जहां पे वहां पे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि ट्रेड नेम में मैंडेटरी नहीं है तो आप वो डालने की जरूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते। देन स्टेट, पिन कोड और जीएसटी नंबर आपको वैलिड डालना पड़ेगा। अगर ये स्टेट से मैच नहीं होता है जीएसटी नंबर या प्रॉपर जीएसटी नंबर आप अगर नहीं डालते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन आप एक कंपनी का लोगो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो मैंने ये लोगो अपलोड कर दिया। फोन नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने ईमेल आईडी डाल के मैं सेव करता हूँ। ये मेनू पे जाएगा ये ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाता है। अभी आप जैसे ही टॉप में यहाँ पे जाके देखते हैं तो आपके कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, लोगो सब यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉपुलेट होता है। देन जो दूसरा मास्टर क्रिएट करना है आपको वो रिसिपिएंट मास्टर क्रिएट करना है, जिसको आप बिल करेंगे उसको उसका प्रोफाइल आपको यहाँ पे बनाना है, क्योंकि आप इनवॉइस प्रिपेयर करते टाइम आपको जो रिसिपिएंट का डिटेल है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट जो प्रोफाइल सेव करेंगे, रिसिपिएंट सर्च करेंगे तो वो रिसिपिएंट वहां पे आ जाएगा।
देन सेम जो उनका लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, एड्रेस है, लोकेशन, पिन कोड आपको यहाँ पे डालने हैं। रिसिपिएंट के केस में भी जो मेल आईडी है एंड जो फोन नंबर है वो ऑप्शनल होता है। आपके पास अगर फोन नंबर, मेल आईडी का इन्फॉर्मेशन है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंने XX डाला था तो उसने फॉर्मेट ही रॉन्ग बताया, तो मैं जीएसटी के नंबर में XX ही डालता हूँ, पर जो जीएसटी का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, तो आई थिंक इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये जीएसटी नंबर मैंने डाला। देन अभी स्टेट कोड नॉट मैच दिखाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मैंने स्टेट सेलेक्ट किया है और जीएसटी नंबर वो है। अभी महाराष्ट्र करते हैं और क्योंकि ये सिस्टम वो ट्रैक करता है कौन से स्टेट कोड का जीएसटी नंबर है। देन पिन कोड हम डाल देंगे महाराष्ट्र का एंड एड करेगी। ये हमारा रिसिपेंट प्रोफाइल ऐड हो गया। इस तरह से आपको आपके जितने भी रिसिपेंट रहेंगे उसके डिटेल्स आपको एक बार यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। देन आप जब भी इनवॉइसिंग करेंगे तो वो टाइम आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट मास्टर है, आपके जो प्रोडक्ट्स जितने भी है उसके डिटेल्स यहाँ पे एक बार प्रोडक्ट मास्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट मास्टर बनाते हैं वैसे यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट मास्टर बनाने हैं। डिस्क्रिप्शन, इन्वॉइस, सर्विस है कि नहीं, ये नो सेलेक्ट करना है। एचएसएन कोड डालना है, यूनिट आपको सेलेक्ट करने हैं क्या यूनिट है। देन प्राइस एंड जीएसटी रेट, प्राइस और जीएसटी रेट भी आपको प्रोडक्ट्स के एक बार ही डालना होता है। ये एडिटेबल होता है, इन्वॉइस प्रिपेयर करते टाइम आप इसको एडिट कर सकते हैं, बट अभी जो डालेंगे प्राइस यहाँ पे वो यूनिफॉर्म ऑटोमेटिकली आएगा जब भी आप इन्वॉइस प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ क्वांटिटी डालने की जरूरत रहती है, बाकी जो क्योंकि आपने यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और जीएसटी रेट दिया हुआ है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। एचएसएन नंबर 00 मैंने डाला था, रॉन्ग बता रहा है तो मैं चेंज करता हूँ। लेंथ 3 to 300, नहीं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैंने 1 डाला था। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या नाम है आपके प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का नाम वहां पे डालना होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज कर लिया। अभी हमारा रिसिपेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है, प्रोडक्ट डिटेल ऐड हो गया है, तो अभी इसके बाद हम इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इनवॉइस प्रिपेयर करने के लिए टूल्स रेडी हो गए हैं, तो देखेंगे अभी कि इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करेंगे ये सिस्टम में। सबसे पहले आपको न्यू इनवॉइस पे जाना है। न्यू इनवॉइस पे जैसे ही जाएंगे तो डॉक्यूमेंट डिटेल आपको पूछता है, कैटेगरी, रिवर्स चार्ज है या नहीं है, कौन सा टैक्स डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, तो टैक्स इनवॉइस डालेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट है तो वो डालेंगे। देन जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर है वो मैनुअली यहाँ पे टाइप करना होता है, डॉक्यूमेंट डेट आपको टाइप करना होता है। अभी लीगल नेम में जो भी रिसिपेंट है आपका, आप उसका नाम सर्च करेंगे और देन उसका डिटेल आ जाएगा। देन आपको प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो जो भी आपने प्रोडक्ट मास्टर में सेलेक्ट किए रहेंगे वो उसका डिटेल आता है। मैंने खाली प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन उसका जो जीएसटी रेट है, यूनिट प्राइस है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। बट हाउएवर वो जो भी ऑलरेडी है वहां पे वो एडिटेबल होता है, तो आप यहाँ पे यूनिट प्राइस एडिट एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने एड कर दिया है, एक से ज्यादा आइटम है एक बिल के अंदर, तो आप सीरियल नंबर 1 2 डाल के जितने भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ये दोनों आइटम ऐड कर दिए। राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे राउंड ऑफ डालने का ऑप्शन होता है, अगर आपकी इनवॉइस में राउंड ऑफ है तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं। देन सबमिट करेंगे, एक बार ये रिव्यू करने को आपको बोलता है, प्रीव्यू करने के लिए इनवॉइस, एक बार रिव्यू करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपके पेंडिंग इनवॉइस में चले जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग इनवॉइस है। आपको ये इनवॉइस वैलिडेट करना होता है, डेटा वैलिडेट होने के बाद प्रिपेयर जेसन फाइल करना होता है। जेसन फाइल जैसे क्रिएट करते हैं तो ये जेसन फाइल वहीं पे जाके स्टोर हो जाता है जहाँ पे आपका ये
टूल सेव है, जहाँ पे एनआईसी जीपीपी टूल सेव होता है वहां पे जाके ये जेसन फाइल जनरेट होता है। तो हमने यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर बना रखा है ईच इनवॉइस के लिए। देन आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाना है, जो कि आप टूल से ही जा सकते हैं। वहां पे एक लिंक होता है, ऑप्शन होता है जाने के लिए। देन आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में ई इनवॉइस का ऑप्शन है, जहाँ पे बल्क अपलोड का ऑप्शन है। ये बल्क अपलोड पे जाके आपको जो जेसन फाइल जनरेट हुआ है सिस्टम से, वो जेसन फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये डिटेल्स आते हैं आपके। देन आपको यहाँ से एक्सेल फाइल और जो जिप फाइल है वो आपको यहाँ से डाउनलोड करने हैं। हमने ये डाउनलोड कर लिया। नीचे यहाँ इनवॉइस की डिटेल्स आप देख सकते हैं आ गए हैं। तो ये जो एक्सेल फाइल वहां से डाउनलोड करना होता है, वो ये ऐप के लिए, टूल के लिए जरूरी होता है उसको उसमें आईआरएन नंबर इंपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप जैसे ही इनवॉइस अपलोड करते हैं जेसन फाइल, तो उसके ऊपर आईआरएन नंबर जनरेट होता है, तो वो नंबर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप में। आप पेंडिंग इनवॉइस में आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा इंपोर्ट क्यूआर कोड करेंगे, और जहां पे आपने एक्सेल फाइल सेव किया है वहां से जाके आपको वो एक्सेल फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इंपोर्ट करते हैं तो एक्नोलेजमेंट नंबर, आईआरएन नंबर सब यहाँ पे इंपोर्ट आ जाता है। देन मोर एंड पुश टू हिस्ट्री करके आपको मेन्यू पे आना है। तो ये पेंडिंग से निकल के जनरेटेड इनवॉइस में, देन जनरेटेड इनवॉइस से आपको यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस का ऑप्शन होता है मेन्यू में, वहां से आप ये इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका इनवॉइस प्रिपेयर हो गया, जो आप सिस्टम से प्रिंट कर सकते हैं। देन आपको जो एआरएन नंबर है वो कॉपी करना है लिस्ट से, और एआरएन नंबर के बेसिस पे आप इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं, ईवे बिल प्रिपेयर कर सकते हैं। ईवे बिल में इनवॉइस का डिटेल आपका ऑलरेडी फीडेड रहेगा यहाँ पे। जस्ट आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर सिलेक्ट करना है, और जो डिस्टेंस है वो डालने, ऑटो कैलकुलेट डिस्टेंस होता है, आपको यहाँ पे मैनुअल डालने का ऑप्शन होता है। अगर आपका डिस्पैच डिटेल और शिपमेंट डिटेल डालने का है, डालना है डिटेल, तो वो केसेस में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप वो डिटेल डाल सकते हैं। हमारा कुछ एरर आ गया है, बट क्योंकि वो सबमिशन के बाद एरर आया है, तो जो ईवे बिल है हमारा वो जनरेट हो गया था, तो हमारे को इसके लिए ईवे बिल की वेबसाइट पे जाके वो प्रिंट लेना पड़ेगा। बिकॉज इनवॉइस पे जो आपके पास अगर ईवे बिल नहीं है तो वो डिटेल्स दिखाता नहीं वहां पे। और जैसे सबमिट किया मैंने तो हमारे को एरर आया है, तो हमारे को ईवे बिल पे जाके और वो इनवॉइस लेना पड़ेगा। इनवॉइस के पोर्टल पे देखता हुआ आता है क्या ये, ये जो भी जनरेटेड या पेंडिंग इनवॉइस में जो डेटा रहते हैं वो नॉन एडिटेबल होते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ईवे बिल में जनरेट ईवे बिल, मैं वापस से ट्राई कर रहा हूं अगर जनरेट नहीं हुआ है तो, बट ये बोल रहा है कि ईवे बिल ऑलरेडी जनरेटेड अगेंस्ट आईआरएन नंबर, बट यहाँ पे ईवे बिल प्रिंट करने के लिए आपको ईवे बिल एंटर करना होता है, बट हमारे पास ईवे बिल है ही नहीं, और यहाँ पे ईवे बिल का हिस्ट्री नहीं दिखाता है। तो इसके लिए ये इनवॉइस अगर आप दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं तो इनवॉइस के पोर्टल से भी आके आप इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम ईवे बिल के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। तो ईवे बिल के पोर्टल से जो आप हिस्ट्री देख सकते हैं, जो आपके ईवे बिल जनरेट हुए हैं उसके लिए
आपको जो मेन्यू बार है यहाँ पे, वहां से रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। रिपोर्ट्स के अंदर माई ईवे बिल रिपोर्ट और आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमने जनरेट किया, तो आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे डेट पूछता है, और आप डेट के हिसाब से कौन से डेट में कितने जनरेट हुए हैं वो सारे ईवे बिल के नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप ईवे बिल नंबर ले लेंगे, और ईवे बिल नंबर आपको मिलने के बाद आप इसको मेनू से ईवे बिल प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही होता है, वहां पे ईवे बिल प्रिंट का ऑप्शन है, और देन यहाँ से हम ईवे बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थे ऑप्शन फॉर जनरेटिंग ई इनवॉइस फ्रॉम GEPP टूल। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।